चलिए आगे बढ़ते हैं खबर राजधानी भोपाल से, जहां बाबूलाल चौरसिया पर फिर से गरमाई सियासत। अब कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने सवाल खड़े किए हैं। बाबूलाल चौरसिया पर एक बार फिर सियासत गरमाई हुई। अब कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने सवाल खड़े किए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ से कांग्रेस नेता मानकलाल अग्रवाल ने सवाल किए, पूछा कि बताएं वो किस विचारधारा के साथ है। अडानी अंबानी की तारीफ पर भी कमलनाथ को घेरा, कहा हमेशा पार्टी की विचारधारा के विपरीत चलते हैं कमलनाथ। बाबूलाल चौरसिया पर फिर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने कहा कि बताएं वो किस विचारधारा के साथ हैं। अडानी अंबानी की तारीफ पर भी कमलनाथ को घेरा। चलिए इसी पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। वैभव जी, बाबूलाल चौरसिया पर फिर से सियासत गरमाई हुई है। अब कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने सवाल खड़े किए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी है? हाँ बिल्कुल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और दिग्विजय सिंह के खास समर्थक माने जाने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मानक अग्रवाल ने ट्वीट करके उन्होंने कमलनाथ की विचारधारा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा क्या बाबूलाल चौरसिया वाले मामले पर क्या गोडसे की विचारधारा से प्रेरित हैं कमलनाथ या फिर गांधी की विचारधारा को मानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हाल ही में अडानी और अंबानी की तारीफ की है कमलनाथ ने, उससे लगता है कि वो उनकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के विपरीत है। इससे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, इसके साथ ही पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन भी कमलनाथ के इस जिस तरीके से बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल किया गया उसका विरोध कर चुकी। तो अब कांग्रेस कहीं ना कहीं दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक ओर कांग्रेस गांधीवादी विचारों की बात करती है और दूसरी ओर गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले बाबूलाल चौरसिया को अपनी ही पार्टी में शामिल कराती है। और जब शामिल होते हैं चौरसिया तो खुद कमलनाथ उनको फूल देकर उनका पार्टी में सवाल करते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से अरुण यादव ने ट्वीट भी किया था कि लिखा था मैं शर्मिंदा हूं, आज मानक अग्रवाल ने ट्वीट करके सवाल खड़े कर दिए हैं कि किस विचारधारा को मानते हैं कमलनाथ, स्पष्ट करें क्या वो गोडसे की विचारधारा को मानते हैं या फिर वो गांधी की विचारधारा को मानते हैं। इसके साथ ही जिस तरह से तारीफ की गई थी अडानी और अंबानी की कमलनाथ के द्वारा, उस पर मानक अग्रवाल ने ट्वीट में लिखा है कि कमलनाथ हमेशा ही पार्टी की विचारधारा के विपरीत खड़े नजर आते हैं। बिल्कुल बाबा जी, जानना चाहेंगे कि क्या इस ट्वीट पर, क्या इस बयान पर पीसीसी चीफ कमलनाथ की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? फिलहाल पीसीसी चीफ का एक कार्यक्रम चल रहा है रीवा में, वो रीवा में है और किसान महापंचायत के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। तो वहाँ पर जरूर जो मीडिया कर्मी होंगे वो इस सवाल को जरूर पूछेंगे कि आपकी ही पार्टी के नेता आपके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपकी विचारधारा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो रीवा से ही शायद उनका जो बयान है वो सामने आ सकता है। बिल्कुल वैभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बाबूलाल चौरसिया पर एक बार फिर से सियासत गरमाई हुई है। अब कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने सवाल खड़े किए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ से सवाल पूछा है कि बताएं कि वो किस विचारधारा के साथ है। अडानी अंबानी की तारीफ पर भी कमलनाथ को घेरा है और कहा कि हमेशा पार्टी की विचारधारा के विपरीत ही चलते हैं कमलनाथ।